नमस्कार। नायरा एनर्जी में टीटी अनलोडिंग प्रक्रिया के इस सत्र में आपका स्वागत है। ये एक कुशल ट्रक ड्राइवर मनोज है। आज इसके दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ये अपने दोस्त बिपिन, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है, अस्पताल में उससे मिलकर आ रहा है। नया ड्राइवर गौरव इसका आरओ में इंतजार कर रहा है। हेलो मनोज, मैं गौरव हूँ। मैं यहाँ पर तुमसे टीटी अनलोडिंग प्रक्रिया सीखने और समझने आया हूँ। हाय गौरव, माफ करना, मुझे आने में देरी हो गई है। मुझे अपने दोस्त को देखने अस्पताल जाना पड़ा। क्या तुम्हारा दोस्त ठीक है? उसकी हालत सुधर रही है, परंतु उसे खड़े होने और ठीक से चलने लायक होने में अभी काफी वक्त लगेगा। उसका परिवार बहुत चिंतित था। मैं आशा करता हूँ वो जल्द अच्छा हो जाए। उसे क्या हुआ? उसने अपनी लापरवाही की वजह से आरओ पर अनलोडिंग करते समय अपने आप को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर लिया था। अनलोडिंग के समय सुरक्षा उपायों का पालन करना बहुत आवश्यक है। सही कहा। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। अनलोडिंग प्रक्रिया एक अत्यंत जोखिम भरा ऑपरेशन है। थोड़ी सी चूक भी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए खतरा टालने के लिए हमेशा इस प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। चलो गौरव, इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एक ड्राइवर के साथ हमेशा एक हेल्पर का होना अति आवश्यक है। ड्राइवर को इस प्रक्रिया में हेल्पर की जरूरत क्यों होती है? टीटी अनलोडिंग काफी खतरे से भरी प्रक्रिया है। आपको लगातार ध्यान रखकर सतर्क रहना पड़ता है। आमतौर पर टीटी को रिवर्स में चलाना टालना चाहिए, परंतु अगर चलाना पड़े तो इसे हेल्पर या आरओ कर्मचारी की सहायता से करना चाहिए। इसलिए सावधानी से प्रक्रिया पूर्ण करने और अतिरिक्त मदद के लिए हेल्पर का होना आवश्यक है। ओके। याद रहे, प्रक्रिया के दौरान ड्राइवर और हेल्पर दोनों को ही उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जैसे कि यूनिफॉर्म, सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा चश्मे, मास्क, रिफ्लेक्टिव जैकेट, हाथ दस्ताने और सुरक्षा जूते आदि का हमेशा उपयोग करना चाहिए। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। टीटी को हमेशा बताई गई जगह जिसकी उचित लेवलिंग की हो उसी पर ही पार्क करें, जैसे कि अभी है। अब टीटी इंजन को और मास्टर कट ऑफ स्विच को बंद करें, फिर गियर को न्यूट्रल स्थिति में लाएं और हैंड ब्रेक खींचें। अब टीटी को पार्क करने के बाद उसको खाली करते समय किसी भी आकस्मिक टीटी की हरकत को टालने के लिए टायर्स को व्हील चोक्स के साथ इस तरह सुरक्षित करें। फिर ये सुनिश्चित करने के लिए कि टायर्स टीटी के आगे या पीछे की ओर अतिरिक्त झुकाव का कारण ना बने, टीटी के टायर्स में हवा का प्रेशर चेक करें। अब 10 मिनट इंतजार करें ताकि टीटी का ईंधन स्थिर हो सके। ओके, मैं समझ गया। अब आसपास के क्षेत्र को प्रतिबंधित करें और टीटी के पास सावधानी बरतने संबंधित साइन बोर्ड लगाएं, जैसे कि खतरा, टीटी को खाली किया जा रहा है और धूम्रपान निषेध। अब टीटी बे से 9 किलो अग्निशामक निकालें और उसे वॉल्व मैनिफोल्ड के पास रखें। फिर टीटी और जमीन के अंदर के स्टोरेज टैंक के मध्य अर्थिंग वायर कनेक्ट करें। स्टैटिक बिजली के कारण होने वाले किसी भी स्पार्क से बचने के लिए ये करना आवश्यक है। क्या अब हम टीटी अनलोडिंग शुरू कर सकते हैं? नहीं, रुको। ऑपरेशन शुरू करने से पहले डिप नापने के लिए ड्राइवर को आरओ सुपरवाइजर के साथ चढ़कर टीटी के ऊपर जाना होता है। टीटी पर चढ़ते समय जब आप अपने दोनों हाथों से सीढ़ी की रेल पकड़ रहे होते हैं, आपको 3 पॉइंट संपर्क सुनिश्चित करना होता है और चढ़ते या उतरते हुए एक समय पर एक ही पैर का उपयोग करना होगा। रिसाव को फैलने से बचाने के लिए हमेशा वॉल्व बॉक्स के नीचे एक ड्रिप ट्रे रखें। डिस्चार्ज हॉस को कंपन के कारण खुलने और लहराने से रोकने के लिए रस्सी से सुरक्षित करें या इसे रोकने के लिए एक धातु के स्टैंड का उपयोग करें।
इस कारण रिसाव हो सकता है, है ना? हाँ सही कहा, शाबाश, तुम तो बड़ी तेजी से सीख रहे हो। रिसाव को रोकने और डिस्चार्ज हॉज से हेल्पर को कोई चोट ना लगे, इन दोनों के लिए ये आवश्यक है। और ध्यान रखें, आप केवल इलेक्ट्रिक कंटिन्यूटी और उचित सिरे वाली फिटिंग्स की वायर ब्रेडेड हॉज पाइप का ही उपयोग करें। टीटी खाली करते समय कभी भी पीवीसी हॉज पाइप का उपयोग ना करें। ये देखें कि आप तेजी से जमीन के अंदर के स्टोरेज टैंक के डिप कैप को खुला ना रखें। क्यों, क्या उससे मदद नहीं होगी? नहीं, इसके कारण जमीन के लेवल पर वाष्प एकत्रित हो सकती है, जो कि आग और स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरा हो सकती है। ओके, मैं इसके लिए अतिरिक्त ध्यान रखूंगा। इस बाल्टी का यहाँ क्या उपयोग है? बाल्टी का उपयोग सैंपल या उत्पाद के ट्रांसफर के लिए किया जाता है, परंतु आप हमेशा मेटल या एल्यूमिनियम की बाल्टी का ही प्रयोग करें, क्योंकि किसी चिंगारी को उत्पन्न होने से रोकने के लिए केवल ऐसी बाल्टियों को ही टीटी के साथ बॉन्डिंग वायर द्वारा बॉन्ड किया जा सकता है। ये मुझे मेरे दोस्त बिपिन के हाल ही में हुई दुर्घटना की याद दिलाता है। क्योंकि उसने बाल्टी को उचित जगह पर नहीं रखा था, उस कारण पाइप के एक ज्वाइंट से रिसाव शुरू होकर ड्रिप ट्रे पर गिरने लगा। बॉन्डिंग वायर ठीक से न लगे होने के कारण एक चिंगारी उत्पन्न हुई, जो मैनिफोल्ड वॉल के पास आग लगने का कारण बनी। बिपिन को शुरू में इस बात का एहसास नहीं हुआ और आग धीरे धीरे बढ़ गई। आरओ कर्मचारी आया और उसने अग्निशामक की मदद से स्थिति को नियंत्रित किया, परंतु आग बुझाते समय बिपिन के पैर पूरी तरह जल गए। ये तो बहुत दुखी बात है। हाँ, परंतु ये घटना हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि काम करते समय हमेशा सावधान और सतर्क रहना आवश्यक है। कृपया एक बात और ध्यान में रखें कि रिटेल आउटलेट परिसर में टीटी खाली करते समय बैटरी के टर्मिनल्स को कभी टाइट नहीं करना चाहिए। किसी भी गलती या लापरवाही से आग लगने का खतरा होता है। समझ गया। टीटी हेल्पर और ड्राइवर को हमेशा कंट्रोल वॉल्व के आसपास ही रहना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर ओवरफिलिंग, रिसाव, लीकेज आदि को टाला जा सके और आपात स्थिति में हॉज को डिस्कनेक्ट कर टीटी को बाहर ले जाया जा सके। अब चूंकि पूरी प्रक्रिया उचित प्रकार से पूर्ण हो चुकी है, आप और हेल्पर दोनों सकुशल वाहन में वापस बैठकर रिटेल आउटलेट से बाहर निकल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ अब तुम्हें आरओ में टीटी अनलोडिंग के सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। हाँ धन्यवाद, मैं अब अनलोडिंग प्रक्रिया का संचालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तुमने जिस प्रकार समझाया है, मैं उसी प्रकार से प्रक्रिया का पालन करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। टीटी अनलोडिंग प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक पूरा करना काफी महत्वपूर्ण है। कभी भी कोई नियम ना तोड़ें, शॉर्टकट ना लें और हमेशा सतर्क रहें। हमारे व्यवसाय में हमेशा अति सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि हमारा संपर्क हमेशा अत्यधिक ज्वलनशील और खतरनाक पदार्थों से रहता है। इससे पहले कि आप किसी शॉर्टकट के बारे में सोचें, मेरे मित्र विपिन और उसके परिवार को याद करें। सुरक्षित सोचें, सुरक्षित कार्य करें, सुरक्षित रहें।
धन्यवाद।